हेलो दोस्तों, एग्जाम सत्र में आप सबका स्वागत है। वोटिंग लिस्ट वाले क्वेश्चन चल रहे थे और लास्ट वीडियोस में हमने उसके कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक बता दी है। ठीक है, अगर वीडियो नहीं देखा है उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आज क्वेश्चन में थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में उलट फेर भी होगा, अगर लैंग्वेज बदल देता है या थोड़ा सा ट्विस्ट डाल देता है उसको कैसे हैंडल करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसको आज सीखेंगे। और कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ठीक है, ट्रिक वही रहेगी, सब चीजें वही रहेंगी, थोड़ा सा बस क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। उसको देखते हैं कैसे हैंडल करेंगे। सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहे हैं इलेक्शन टू कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड इन व्हिच 20% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स एंड 3500 वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड। विनर गेट 60% वोट्स ऑफ द वैलिड वोट एंड विन बाय 5000 वोट्स। फाइंड द वोटिंग लिस्ट। देखो, ये तो कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन लगभग। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार ताकि रिवाइज हो जाए। क्या कह रहा है, 20% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स एंड 3500 वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड। दो कंडीशन दे दी है कि 20% वोटर जो है अपने मत नहीं डालते हैं, ठीक है, और 3500 वोट जो है वो इनवैलिड, ठीक है, अवैध भी घोषित हो गए। दो कंडीशन डाल दी है। उसके बाद बोला है विनर गेट 60% वोट्स ऑफ द वैलिड वोट। वैलिड वोट बोल दिया एंड विन बाय 5000 वोट्स। मैंने यही बोला था चेक करने को, अगर ये बोल दिया तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आराम से आप वैलिड वोट को 100 मान लेंगे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी, उसके थ्रू कैसे करेंगे। देखो कितना दिया है, विनर गेट 60% वोट ऑफ द वैलिड वोट। वैलिड वोट बोल दिया है, बस 60% दिया है, कितना परसेंट बचा, 40% बचा 100% में। ठीक है, 60% दे ही दिया है, 40% बचा। 40 और 60 का अंतर क्या होगा, 20 होगा। ठीक है, 40 और 60% का डिफरेंस क्या होगा, 20। तो क्या हो जाएगा, कितने वोट से जीतता है, 5000 डिवाइड बाय 20 × 100। ये क्या है, ये है हमारा वैलिड वोट। ठीक है, ये वैलिड वोट निकल जाएंगे हमारे, ये निकल जाएंगे क्या, वैलिड वोट। 0-0 कट जाएगा, ये कितना 250 बचेगा, ये कितना हो जाएगा 25000 वोट हमारे क्या है, वैलिड वोट है। 25000 वैलिड वोट निकल गए। अब कंडीशन दो ऊपर क्या कह रहा था, 3500 वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 3500 इनवैलिड है तो इसमें ऐड कर दें, क्योंकि हमें वोटिंग लिस्ट निकाली, वोटिंग लिस्ट में वैलिड भी होंगे इनवैलिड भी होंगे और जिन्होंने वोट अपना नहीं दिया है वो भी होंगे। वोटर लिस्ट में तो सब कुछ होंगे ना, तीनों कंडीशन जो होंगी सब इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, तो इनवैलिड वाले इसमें ऐड कर देते हैं, 3500 25000 है, 25000 में 3500 28500 हो जाएगा। ठीक है, 28500 ये हमारा हो गया वैलिड प्लस इनवैलिड दोनों। ठीक है, वैलिड प्लस इनवैलिड दोनों हो जाएगा, वैलिड प्लस इनवैलिड दोनों हो जाएगा। अभी एक चीज और बाकी है वोटिंग लिस्ट निकालने के लिए, जिन्होंने कास्ट नहीं किया उनको भी तो इसी में ऐड करना होगा। ठीक है, कितने लोग ने कास्ट नहीं किया, 20% लोग ने, 20% मतलब कितना होता है, 1/5 5 और 4। ये किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, इसकी 28500। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, 28500 मल्टीप्लाई 4 में कितना मल्टीप्लाई किया, इतना आया, डिवाइड कर दे 7 और ये कितना 125 ये हो जाएगा। ठीक, इतना तो हम इसमें भी मल्टीप्लाई करते, 5 में भी 7125 इसमें मल्टीप्लाई करते, हमारा यही आंसर हो जाएगा, यही वोटर लिस्ट हो जाएगी, हमारा सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। यहां तक हमारा वैलिड प्लस इनवैलिड निकल ही गया है, ये कितना निकला है, ये 20% हमारे वोट नहीं कास्ट करते हैं, 5 और 4 लिख दिया। ठीक है, मतलब कि 1/5 है टोटल, हमारे 5 है उसमें से एक लोग ने वोट नहीं किया है। ठीक, मतलब कितने लोग ने वोट किया, 4 लोग ने वोट किया है, वोटर लिस्ट हमारी 5 है। ये हमने बताया था लास्ट वीडियो में, ये वोटिंग लिस्ट है या वोटर लिस्ट है। ठीक है, और ये वैलिड प्लस इनवैलिड दोनों है, ये इसकी वैल्यू कितनी है, 28500 कितना मल्टीप्लाई किया, 7125, तो हम इसमें भी 7125 मल्टीप्लाई कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा वोटिंग लिस्ट। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ जाना, 5 5 क्या 25 ऐसे नहीं, देखो 7 ज्यादा है, 7×5 35000 और 125 सही, 525 कितना हो जाएगा, 35625 ये कॉमा लगा है। ठीक है, 35625 ये हमारा आंसर हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी वोटिंग लिस्ट। ठीक है, काम बताओ, ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, ये तो लास्ट क्वेश्चन की तरह था, थोड़ा प्रैक्टिस हो गई है, अब क्या करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन को घुमाते हैं। देखो, सेकंड क्वेश्चन एक आपका है, इसमें क्या बोल रहा है, इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, वन गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। ठीक है, क्या कह रहा है, एक ने कुल वैध मतों का 55% पाया, ठीक है, या मिला उसको वोट मिले, और आगे क्या कह रहा है, 20% ऑफ द
वोटर्स वेयर इनवैलिड, 20% वोटर्स जो है वो अवैध घोषित हुए हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वॉज 7500 द नंबर ऑफ वैलिड वोट दैट अदर कैंडिडेट गॉट। क्वेश्चन समझना क्या कह रहा है, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वॉज, टोटल नंबर ऑफ वोट दे दिया है, टोटल नंबर ऑफ वोट, इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया है कि विनर गॉट 20% ऑफ द वोटर लिस्ट या आपका दे दिया गया विनर गॉट 20% ऑफ द वैलिड वोट। इसमें बोला है इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वोट हमें दे दिया गया है कितना है, तो हम टोटल नंबर ऑफ वोट मान के चलेंगे यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कहा है कि विनर गॉट 20% ऑफ द वैलिड वोट, ऐसा कुछ नहीं कहा है। यहाँ पर बोल दिया है कि टोटल नंबर ऑफ वोट 7500, 7500 रुपए दे दिया गया है टोटल, यानी कि वोटिंग लिस्ट ये दे दी गई 7500, वोटिंग लिस्ट हमें दे दी गई कितनी 7500 टोटल नंबर ऑफ वोट, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या मान लेंगे, 100% मान के चलेंगे, ठीक है, ये वोटिंग लिस्ट है, ठीक है, वोटिंग लिस्ट है, एक तरीके से देखा है ये वोटिंग लिस्ट है, टोटल नंबर ऑफ वोट यही तो होते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है 20% वोटर्स वेयर इनवैलिड, 20% इनवैलिड है, इनमें से वोटिंग लिस्ट फिर हम निकाल दें, वोटिंग लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट करते थे क्या करते थे, इनवैलिड वाले निकाल देते थे, ठीक है, इनवैलिड वाले निकाल देते थे। यहाँ पर -20% हो जाए कितना बचेगा, 80% हमारा बचा, 80% बचा, ये क्या है, ये वैलिड वोट है, ठीक है, ये वैलिड वोट है, वैलिड वोट, इनवैलिड वोट हमने निकाल दिया, ये 20% जो है इनवैलिड वोट हमने निकाल दिया, अवैध मत हमने 20% जो थे उनको निकाल दिया। अब यहाँ पर जो 80% बचा, 80% वो हमारे होंगे वैलिड वोट, यानी कि वैध मत, ठीक है, ये क्या है, कौन से है, वैध मत, ये है हमारे वैध मत, ठीक है। अब क्या कह रहा है, वन गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट, टोटल वैलिड वोट हमारे 80% है, इसका 55% एक को मिलता है, ठीक है, वन गॉट 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट, टोटल वैलिड वोट ये है, इसका 55% एक को मिलता है, तो एक को अगर 55% मिलता है तो कितना हो जाएगा भाई, 80 का 50% 40 हो जाएगा, 5% और जोड़ दे 44 हो जाएगा, ठीक है, इसको मिलते हैं 44, ठीक है, 44%, इसको 44 मिलते हैं तो इसको कितने मिल जाएंगे भाई, 80 में 44 यही लेके चला गया तो ये कितने बन जाएंगे, इसको कितने मिल जाएंगे, इसको मिल जाएंगे 36, ठीक है, इसको मिल जाएंगे 36, इसको 36%, इसको 44%, ये फर्स्ट कैंडिडेट है और ये सेकंड कैंडिडेट है, तो जाहिर की बात ये जीता होगा, 44% मिले, ठीक है, फर्स्ट कैंडिडेट ये 44% और इसको मिल गया 36%, ठीक है। आप देखो क्या कह रहा है, कह रहा है द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट अदर कैंडिडेट गॉट, अदर कैंडिडेट एक तो मिल गया है जितना उसने बोला था, कंडीशन हमने लगा दी, ठीक है, और अदर कैंडिडेट गॉट 36% की वैल्यू निकालना है हमें, ठीक है, तो देखो 100% की वैल्यू में 7500 दे रखी है, 36% के आराम से निकल जाएगी, 100% की 7500 दे रखी है, ठीक है, 100% की, तो 36% की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। अब खट खट दो जीरो काट मत देना, ठीक है, 75 × 36 तुमको 75 × 36 तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से क्या करो, यहाँ से काट फिर मचा दो, जीरो मत काटना, यहाँ से काट दो, चार से काटो ये 25 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, ठीक, 25 × 75 = 9 × 27, ठीक है, ये हो गया 2700 हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारी 36% की वैल्यू हो जाएगी, अदर कैंडिडेट को कितने मिले हैं 2700, ठीक है। अगर इसका पूछता है इसका परसेंट निकालेगा, इसका पूछता है इसका परसेंट निकालेना, आराम से क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझना, ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने ये सब बता दिया लास्ट वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, आप देख लो लीजिएगा, ठीक है। एक और प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड ए गॉट 75% ऑफ द टोटल वैलिड वोट, ए को कुल वैध मतों का 75% मिलता है, ठीक, ए ले गया 75%, कुल वैध मतों का 75% ए ले गया, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, वैलिड वोट, ठीक है। आगे कह रहा है 15% ऑफ वोट्स वेयर इनवैलिड, 15% जो है अवैध मत घोषित हो गए, अवैध मत जब भी हम बाहर करेंगे, टोटल जो हमारी वोटिंग लिस्ट होगी, टोटल मतदाता सूची जो होती है पूरी कुल मतदाता सूची, उसमें से इन अवैध मत को हम बाहर निकालेंगे, ठीक है, वैलिड वोट से नहीं निकालेंगे, वैलिड तो वैलिड है ना, वैध मत उनसे कौन निकालेंगे। तो आगे कह रहा है इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वॉज दे दिया गया 5,60,000, ठीक, The number of valid votes hold in favor of candidate A. The number of valid votes hold, number of valid votes, वैध मतों की संख्या निकालनी है जो कि कैंडिडेट ए के फेवर में डाले गए हैं, ठीक, वैध मतों की संख्या निकालनी है जो कि कैंडिडेट ए के फेवर में दिए गए हैं, ये हमें निकालना है।
तो हमें क्या किया गया, देखो यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ वोट दे दिया गया, तो हमें टोटल नंबर ऑफ वोट मानना पड़ेगा वोटिंग लिस्ट, एक तरीके से कह सकते हो वोटिंग लिस्ट या टोटल नंबर ऑफ हमारा जो वोट है वो मानना पड़ेगा 100 है, ठीक है। कंडीशन ये कह रहा है 15% वोटर वेयर इनवैलिड, तो हमने बोला था वोटिंग लिस्ट से हम इनवैलिड जो हमारे अवैध मत होते हैं उनको निकालेंगे, -15% निकाल दिए, कितना बचा 85%, ठीक है 85% बचा, ये हमारा है वैलिड, ये हमारा है वैलिड वोट, ठीक है ये हमारा वैलिड वोट। अब कह रहा है ए गॉट्स, एक कैंडिडेट ए है, ए कैंडिडेट बी होगा, ठीक है, कह रहा है ए गॉट 75% ऑफ टोटल वैलिड वोट, 75% इसका 75% मिल रहा है, वैलिड वोट का 75% ए को मिल रहा है, वैलिड वोट का 75% यानी कि 85 × 75 / 100, ये अगर देखा जाए, कैलकुलेशन नहीं करना है, कैलकुलेशन नहीं करना है, बस देखना है, ठीक है 85 का 75% हम लोग को मिल रहा है। अब क्या कह रहा है, देखो टोटल वोट हमें पता है, हमें ए के फेवर में जो निकले हैं इसकी वैल्यू निकालनी है, यही तो बोला है नंबर ऑफ वैलिड वोट कोल्ड इन फेवर ऑफ कैंडिडेट ए, कैंडिडेट ए के फेवर में जो वैलिड वोट का है वो निकालना है, वैलिड वोट नंबर ऑफ वैलिड वोट इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी वैल्यू हमें 100 की वैल्यू पता है कितनी, 100 की वैल्यू हमें दे रखी है 560,000, ठीक 100 की वैल्यू 560,000 दे रखी है, तो क्या हो जाएगा 560,000 / 100, यही तो होगा। अब 4 0 4 0 कैंसिल मत करिएगा वरना मल्टीप्लाई करके फिर दिन निकल गया, ठीक है दिमाग से करिएगा, 25 से काटिए 25 × 75 = 100, 00 इधर काट दो, ठीक है ये 4 से काट दो 14 × 56 00 हो गया, अब 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो 14 से बाकी बचे इसको मल्टीप्लाई कर दो आराम से आंसर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 85 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 255 × 1400, ठीक अब आराम से हमारा 00 ये बड़ा है 0735 ये हमारा आंसर आ गया, ठीक ये हमारा आंसर आ गया जो कि नंबर ऑफ वैलिड वोट है जो कि कैंडिडेट ए के फेवर में पड़े हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है 357,000 हमारे जो है कैंडिडेट ए के फेवर में पड़े हैं, ये वैलिड वोट है, ठीक है वैलिड वोट, ठीक समझ गए ये आंसर है हमारा फाइनल आंसर। बी पूछता है तो बी निकाल लेते हैं, पूछता है ये निकाल लेंगे, ठीक है एक और क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन कह रहा है टू कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, इफ 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स एंड 10% डिक्लेयर्ड इनवैलिड, इफ वन कैंडिडेट गेट्स 60% ऑफ द टोटल वोट, टोटल वोट देखो बोल दिया, इफ वन कैंडिडेट गेट्स 60% ऑफ द टोटल वोट, टोटल वोट मतलब वोटिंग लिस्ट, वोटिंग लिस्ट बोले टोटल वोट बोले दोनों एक ही चीज है, ठीक है टोटल वोट बोल दिया, एंड विन बाय 3900 वोट, फाइंड द वोटिंग लिस्ट, वोटिंग लिस्ट निकालना है हम लोग को, देखो ये लगभग पहले के जैसे है थोड़ा सा हल्का सा चेंज है, ठीक है क्या कह रहा है 10% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स एंड 10% डिक्लेयर्ड इनवैलिड, दो कंडीशन दे दी है दोनों परसेंट में है, ठीक है कि 10% वोटर अपने वोट नहीं डालते हैं और 10% जो है अवैध घोषित हो जाते हैं, दो कंडीशन दी है, और पहला कैंडिडेट क्या करता है 60% वोट पाता है टोटल वोट का, टोटल वोट 100 मान लेते हैं, टोटल वोट मतलब की वोटिंग लिस्ट, ठीक है वोटिंग लिस्ट मान लेते हैं हमारे कितनी है 100। अब कह रहा है 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 10% कास्ट नहीं करते हैं, 10% यहां से निकाल दें, ठीक है 10% कास्ट नहीं करते हैं, 10% निकाल दिए वोटिंग लिस्ट से कास्ट ही नहीं किए, बचा कितना 90%, 90%, ठीक है और कह रहा है 10% डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 10% हमारे इनवैलिड भी घोषित हो गए हैं, ठीक है अवैध घोषित हो गए हैं, अवैध अवैध यहां पर रख दिए 10% और निकाल दिए, अब 90 का 10% कितना होता है 9, तो 10% हम 90 में 9 निकाल दिए कितना बचा 81, 81% बचा हमारा, 81% ये हमारा है वैलिड वोट, ठीक है वैलिड वोट जो कि डाले गए हैं, वैलिड वोट जिनसे हार और जीत निश्चित हुई है, ठीक है ये बोल रहा है। अब देखो अब क्या कह रहा है, इफ वन कैंडिडेट गेट 60% ऑफ द टोटल वोट, अब देखो हार और जीत डिसाइड तो यहीं से होगी वैलिड वोट से, ठीक है विनर और लूजर जो हमारा विनर और लूजर है डिसाइड तो यहीं से होगा वैलिड वोट से, लेकिन क्वेश्चन में कह दिया है कि एक जो है बंदा एक कैंडिडेट जो है वो 60% मिलता है टोटल वोट का, 60% टोटल वोट का 60% मिलता है, तो 100 है 60% कितना हो जाएगा 60, ठीक है ये 60 हो गया, बाकी कितना बचा 81 में 60 कितना बचा, ठीक है 81 में 60 कितना बचा, कितना बचा 81 में 60 21, 21%, ठीक है ये 21% बचा,
क्या कह रहा है, फाइंड दी वोटिंग लिस्ट, वोटिंग लिस्ट निकालना है, ठीक है, वोटिंग लिस्ट निकालना है। देखो विनर लूजर इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में, 39, ये 39 हमें दिया है, इसी से तो हार जीत होगी, इसी 39% से तो हार जीत हुई है। मतलब की देखा जाए तो विनर को 39% वोट ज्यादा मिले हैं, लूजर को इतने कम मिले हैं, ठीक है, जबकि इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितना, वन कैंडिडेट गेट 60% ऑफ द वैलिड वोट एंड विन बाय 3900, इसकी वैल्यू दी है 3900, तो हमें वोटिंग लाइन या वोटिंग लिस्ट यानी कि 100 की वैल्यू हमें निकालनी है, आराम से निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 39 क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3900 डिवाइड बाय 39 इनटू 100, ये हो गया, ये कट गया 100, ये क्या हो जाएगा 10,000, हमारा आंसर काम खत्म, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा काम खत्म। देखो ये थे वोटिंग लिस्ट निकालने के कॉन्सेप्ट, कुछ प्रैक्टिस भी करा दी है और क्वेश्चन कैसे कैसे घुमा सकता है वो भी करवा दिया है, जैसे पूछेगा उसके हिसाब से करना है, कॉन्सेप्ट वही है, ट्रिक वही है, क्वेश्चन पढ़ना है उसके हिसाब से हमें सॉल्यूशन अपना करना है, ठीक है। तो वोटिंग लिस्ट के क्वेश्चन हो गए हैं, अगर आपको वीडियो से सारे अच्छे लगे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल एग्जाम सत्र को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ठीक है, ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और वोटिंग लिस्ट के हो गए हैं, आगे देखते हैं पास और फेल वाला या वेन डायग्राम वाला आपको कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे और बताएंगे कैसे सॉल्यूशन उसके होते हैं, ठीक है। तो हमारे चैनल के एग्जाम सत्र को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।